आपके बीच में हो कि मेरे परमेश्वर एक के को छुटकारा दे वो एडमिट नहीं कर रहे थे, और कल इसको बैंक को खड़े हो सकते हैं। बहन रेनू ने बताया था ये, क्योंकि उस रोग से बहन ने छुटकारा पाया तो इन्हें भी बोला और ये विश्वास के साथ यहाँ पर आए। मेरी आंखों के सामने कितने क्लॉथ गिर गए थे, यहीं पर कितनी ब्लीडिंग हो रही थी, मैंने देखा बहन को। और सारे डॉक्टर जो है, जीके हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, और भी जितने हॉस्पिटल, कोई एडमिट नहीं कर रहा था। और शैतानी काम था, शैतान का अटैक था इनके ऊपर। और रात को प्रार्थना की गई, जल्दी आ गया और इनको एक बाइबल दी, इनके सिराने बैठ करके वचन को पढ़ना। और वो बेबी तो चलो नहीं रहा, लेकिन ये बहन भी। हालेलुया, परमेश्वर ने इन्हें आज जान दिया। रात ही ब्लीडिंग बंद हो गई, नहीं तो ब्लीडिंग बंद। बहनें जानती हैं, उन्हें पता है कि अगर बिना अबॉर्शन के वो सही नहीं हो सकते, लेकिन ये बहन ले लिया। लेकिन लास्ट ये परमेश्वर का हॉस्पिटल था। और मैंने बेटे ने एक और हॉस्पिटल की नर्स का और डॉक्टर का नंबर दिया, मैंने बात भी की उससे, वो भी नहीं ले रही थी। वो कह रहे बिना अल्ट्रासाउंड के या किसी चीज़ के हम ले नहीं सकते, जैसे कंडीशन बता रहे हो हम अबॉर्शन भी नहीं करते हैं ऐसे, तो किसी डॉक्टर को जो है इस चीज़ की अनुमति नहीं होती। लेकिन मेरा खुदा बंद है, हालेलुया, मेरा खुदा बंद है। जो उसके पास आता है वो शिफा पाता है, हालेलुया, जो उसके पास आता है वो शिफा पाता है। हालात भी कैसे भी हो, कैसे भी हालात हो, उसकी परस्तिश रुक नहीं सकती, उसकी महिमा रुक नहीं सकती, उसकी भलाई का कारवा कभी रुक नहीं सकता। हालेलुया, आइए प्रभु की महिमा के लिए भजन गाएंगे। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को। हालेलुया, साथ नहीं दे रहा। कल किसी के एंगेजमेंट में गए थे, वहां जबरदस्ती कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक पिलाते रहे। नहीं सके मुझे तू मेरे साथ खड़ा।
Oh,